मदिया खान भी जुड़ी हुई हैं। मदिया, आप भी जरा तस्वीरें दिखाएं और वो गली दिखाइए और थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए जिस जगह से अतिक्रमण हटेगा, कैसे अतिक्रमण हटाया जाएगा, कितना बड़ा इलाका होगा, कैसे मेन रोड पर होगा या गलियों से भी हटेगा अतिक्रमण। देखिए, मैं आपको इस वक्त बता दूं और टॉप एंगल की तस्वीरें भी दिखाऊंगी। एक छत पर हम लोग मौजूद है और ये कौन सा इलाका है, कौन सी गली है, कितना बड़ा ये रोड है, वो सब आपको दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए देखकर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी सब्जी पर आपके भारी पुलिस बल यहाँ पर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है इस वक्त ग्राउंड पे उतरी हुई है। अभी तक आप देखिए, जैसे बताया गया है कि अभी तक तो लोग सहयोग कर रहे हैं, अभी तक कोई यहाँ पर कोई हिंसा की बात या कुछ और नहीं हुआ है। लेकिन ये वही रोड है जिस पर दोबारा भी पथराव हुआ था, ये वही रोड है जब दोबारा पथराव हुआ था, जब यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी को गिरफ्तार करने आती है तो दोबारा भी यहाँ पे पथराव हुआ था, इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। और इस वक्त जब अवैध निर्माण यहाँ से हटाया जाएगा तो किस तरह का माहौल रहता है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पुलिस की यहाँ पर तैनाती जो है बहुत ज्यादा है। पुलिस एकदम अलर्ट पे है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो एकदम अलर्ट पे है, क्योंकि तंग गलियां हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो फोर्सेस हैं बहुत ज्यादा अलर्ट दिखाई दे रही हैं। कुशल सिनेमा चौराहा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चौराहा है और चौराहे से ये पूरा रोड है जिसपे अवैध निर्माण कह सकते हैं कबाड़ का पूरा काम होता है। कबाड़ सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर जिसको हटा रहे हैं लोग, जिन जिन लोगों का भी ये पूरा कबाड़ है वो सब हटा रहे हैं यहाँ से और हटाकर कहीं और लेकर जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है एक बार बुलडोजर आएगा और जब बुलडोजर चलेगा तो उसके बाद उनके सामान का क्या होगा उन्हें नहीं पता, इसीलिए बुलडोजर आने से पहले ही लोगों ने अपना अपना जो सामान है वो यहाँ से हटा लिया है। और हटाने की जो कार्रवाई है लोगों की तरफ से वो फिलहाल चल रही है। अभी हालांकि जो नॉर्थ एमसीडी के लोग हैं और जो बुलडोजर है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उससे पहले ही लोग अलर्ट हैं। लोगों को जब सुबह पता चलता है इस बारे में कि आज यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है तो लोगों ने पहले ही जो अवैध निर्माण उनकी तरफ से था उसको हटा दिया है। आगे की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये पूरा झुग्गी का इलाका है, सीडी पार्क झुग्गी इसे बोलते हैं। ये सब बहुत क्लस्टर एरिया है, बहुत तंग तंग गलियां हैं और उन्हीं तंग गलियों में ये मुख्य आरोपी जो इस हिंसा में गिरफ्तार हुए हैं उनका भी घर है। जी, चाहे जिस तरह से आप यहाँ से तस्वीरें दिखा रही हैं, आपने दिखाया किस तरह दुकानों के आगे जो स्क्रैप के ढेर लगे हुए थे उन्हें हटा लिया गया था, वहां से लोग खुद ब खुद उन्हें हटा रहे हैं। जो अवैध निर्माण है क्या वो गलियों के अंदर भी किया गया है, मकान की शक्ल में भी यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया जिस पर कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से नॉर्थ एमसीडी की तरफ से जो यहाँ पर निर्माण है, जो स्क्रैप्स का सामान पड़ा हुआ है, सबसे पहले एक्शन जो है उसी पर होना था। उसकी लोगों को भी जानकारी मिली कि इसके ऊपर जाहिर सी बात है अवैध निर्माण है, सामने से दिख रहा है, तो सबसे पहले लोगों ने इसको हटाना शुरू करा है। अब एमसीडी की तरफ से क्या तंग गलियों में या उनके घरों पर कार्रवाई होगी ये कहना भी मुश्किल होगा। ये तो जब नॉर्थ एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका क्या एक्शन रहेगा उससे ही पता चलेगा। अभी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अवैध निर्माण लोगों को भी पता है कि यहाँ पर उन लोगों ने कर रखा था, सालों से यहाँ पर ये कबाड़ का पूरा जो काम है ये कर रहे थे, पूरा रोड जो था इन लोगों ने घेर रखा था। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर नॉर्मल डेज होते हैं तो यहाँ से गाड़ी लेके आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा रोड जो है ये सिर्फ इसी कबाड़ से घिरा होता है, जिसको हटाने का जो कार्रवाई है वो नॉर्थ एमसीडी की तरफ से आज की जाएगी कुछ देर में। और देखिए, अब वापस से एक बार फिर जो पैरामिलिट्री की फोर्सेज हैं वो वापस अंदर गलियों में आ गई हैं, वापस से इस रोड पर आ गई हैं और लगातार यहां से फ्लैग मार्च की जा रही हैं। लगातार जो आला अधिकारी हैं और बाकी फोर्सेज हैं वो सब अंदर तक जा रहे हैं, गलियों में भी जा रहे हैं, एक बार लोगों को सबको देख रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अपने घर में रहें। लेकिन जो लोग हैं जिनका सामान है वो लोग आ रहे हैं, अपना सामान लेके जा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से रिक्शाओं में भर के, ठेलियों में भर के लोग जो है अपना अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है ये सब अवैध निर्माण है, उनको ये हटाना पड़ेगा। बुलडोजर आएगी एक बार ये सामान पर, अगर बुलडोजर चलेगी सामान यहाँ से जाएगा तो उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला, इसीलिए लोग पहले ही अपना सामान जो है हटा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी रोड पर, ये सी ब्लॉक रोड है और इसी रोड पर असलम का भी घर है। असलम वो है जो मुख्य आरोपी है जहांगीरपुरी हिंसा में, उसकी भाभी जो है वो भी हमें सामान हटाती हुई दिखी, जिसकी भाभी से हमने बात की और हमने पूछा कि आपका भी क्या यहाँ पर सामान था, आप भी यहाँ से सामान हटा रही है, तो उन्होंने कहा हाँ, हम सामान हटा रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं और बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह की बात जो है असलम की भाभी ने हमारे कैमरे पर कही। आप देख सकते हैं तो बिल्कुल स्क्रैप का कारोबार यहाँ पर करते थे लोग, जो स्क्रैप के ढेर लगे हुए थे घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, उसे हटाने का काम जारी है, लोग खुद ब खुद हटा रहे हैं। निवेदिता भी हमारे सहयोगी वही मौजूद है। निवेदिता, हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट हम देख पा रहे हैं टॉप एंगल से भी, किस तरीके से यहाँ पर फोर्स की मूवमेंट हो रही है?
जी देखिए अभी मध्या ने आपको दिखाया टॉप एंगल से किस तरह पे यहाँ पे फोर्स है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं जरा आप छतों की तरफ नजर डालिए, छतों पे भी फोर्स मौजूद है। हर एक घर की छत पे फोर्स लगा दी गई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से अचानक से पुलिस पथराव हुआ था उसको देखते हुए छतों को भी खाली नहीं छोड़ा गया है। हमारे सामने एक स्कूल है, हम स्कूल भी दिखाते हैं, स्कूल के ऊपर भी आपको दिखेगी तस्वीरों में कि यहाँ पे फोर्सेज लगी हुई हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री, सारी फोर्सेज यहाँ पे जो है मौजूद है, यानी कि हर घर के हर फ्लोर से भी नजर रखी जा रही है। और मैं बता दूं कि अतिक्रमण जो है वो किस तरह का था, क्यों आखिर अचानक से कार्रवाई शुरू हुई। दरअसल अगर आप देखिए स्कूल की बाउंड्री है, आप बाउंड्री देखिए और जरा हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी, यहाँ से अगर आप चलते चलते आप देखिए कि यहाँ से सड़क तक जब आएंगे, बीच सड़क तक आएंगे, यहाँ तक का अतिक्रमण था। आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, इतनी दूरी जो है ये पूरा सिर्फ एक तरफ का ये अतिक्रमण में गया हुआ था। और दूसरी तरफ भी स्थिति यही थी, यहाँ तक कि हालात यहाँ पे ऐसे थे कि यहाँ पे जो बाहरी गाड़ियाँ थी वो आती ही नहीं थी, लोकल गाड़ियाँ वो भी जो कूड़े वाली गाड़ियाँ होती थी वो चलती थी। तो स्थिति ये थी, अभी हम आपको दिखा रहे थे कि कितना जो है एक लंबे चौड़े इलाके में यह अतिक्रमण हुआ था। देखिए यहां पे लगातार जो है फ्लैग मार्च भी चल रहा है फोर्सेस का, पुलिस का, और आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी है, पुलिस जो है अपना वेस्ट पहन करके, हेलमेट लेकर के, सब कुछ पूरी तैयारी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस यहां पे अब मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही है कि गलती से भी अगर कुछ हो तो कोई पुलिस कर्मी इसमें चोटिल ना हो, तो इसलिए हेलमेट वगैरह सारी तैयारी अभी से तमाम रिपोर्टर्स अपने जगह पर मौजूद है हर एंगल से। जहांगीरपुरी में इस वक्त जो मूवमेंट चल रही है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे निवेदिता मदीहा, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, लगातार पल पल की तस्वीरें, वहां का पल पल का हाल हम आपको देते रहेंगे। ABP News आपको रखे आगे।